वेलकम बैक टू माय चैनल द व्हील ऑफ फॉर्चून 709 टैरेट। आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। ओम मणि पद्मे हम ओम साई राम अस्सलाम वालेकुम सत श्री अकाल। मैं हूं सुरभि, आ गई हूं फिर से आप लोगों के लिए एक और पिका कार्ड रीडिंग लेकर। और इस रीडिंग का टॉपिक है कि आप अपने ड्रीम्स को कैसे पूरा कर सकते हो, क्या ब्लॉकेजेस हैं, कैसे हटाना है, क्या करने की ज़रूरत है और क्या नहीं करने की ज़रूरत है। ठीक है, तो यहाँ पर रीडिंग कुछ ऐसी रहेगी कि पहले मैं आपके ब्लॉकेजेस देखूंगी, एंजल्स की तरफ से आपके लिए मैसेजेस क्या हैं वो देखूंगी, और उसके बाद हम यहाँ पर देखने वाले हैं कुछ सॉरी गाइस मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स, ओके, जो इसमें रखी हुई है मैंने। ठीक है, मैं नहीं जानती कि आपके लिए कौन सी टेक्निक आएगी, लेकिन जो भी टेक्निक आएगी उसको कैसे करना है वो मैं यहाँ पर एक्सप्लेन करूँगी। तो हो सकता है वीडियो थोड़ा लंबा हो जाए, तो आप आराम से बैठ जाओ देखने के लिए ओके, फ्री होकर देखें ये वीडियो। कुछ टेक्निक्स ऐसे भी हैं जो बहुत लंबे, बहुत कुछ एक्सप्लेन करने को नहीं है, लेकिन कुछ ऐसे हैं जिनमें एक्सप्लेन करना पड़ेगा मुझे। तो गाइस यहाँ पर तीन कार्ड्स हैं आपके लिए, सन नंबर वन, उसके बाद एरो नंबर टू एंड थ्री मून। तो इनमें से एक कार्ड आपको सिलेक्ट करना है। फोकस करें इन पर, थोड़ा कंसंट्रेट करें, थोड़ा मेडिटेट करें, और जो कार्ड आपको सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा हो वही आपको सिलेक्ट कर लेना है इनमें से। मैं एक काम करती हूँ, एनर्जी क्लेंजिंग एंड हीलिंग कर देती हूँ, तो उससे आप थोड़ा अच्छे से मेडिटेट कर पाओगे, राइट। ओके गाइस, आपकी एनर्जी क्लींजिंग एंड हीलिंग हो गई है। अब आप एक कार्ड सेलेक्ट कर लो और उसके बाद फिर मैं बताती हूँ कि आपको क्या करने की ज़रूरत है क्या नहीं। ये सभी के लिए है, ब्लॉकेजेस कोई भी हो, रिलेशनशिप में हो, करियर में हो, हेल्थ में हो, या कोई भी आपकी विश अगर पूरी नहीं हो रही है तो क्यों नहीं हो रही है और क्या करना है यही देखेंगे हम आज। ओके, तो चलिए ऑल द बेस्ट। हेलो, तो जिन्होंने ये वाला कार्ड सेलेक्ट किया है सन का, तो चलिए आपके लिए क्या कार्ड्स आएंगे देखते हैं, क्या यूनिवर्स बताएगी कि क्यों आपके ड्रीम्स पूरे नहीं हो रहे, चाहे वो करियर हो, हेल्थ हो या फिर रिलेशनशिप हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये सभी के लिए है, तो कोई भी देख सकता है इसको। ओके, तो मैं यहाँ पर सबसे पहले हमारे ये जो कार्ड्स हैं इनका ही यूज़ करूँगी, टैरो कार्ड। लेट्स सी क्या आता है। सिक्स ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स, ओके ओके। अब मैं ओशोजन कार्ड्स लूँगी और वहाँ से भी देखूँगी कि क्या है। टर्निंग इन, ओके, या फाइन। काफी सारे थॉट्स चलते रहते हैं बहुत ओवरथिंक करते हैं आप, और काफी सारे सवाल हैं जिनका जवाब आपको नहीं मिलता, और यहाँ पर करना आपको कुछ और ही है, आप कर कुछ और रहे हो, मैं बताऊंगी अभी। ओके, इग्नाइट योर पैशन, ओके। हम्म,
अनाहता। और एक लास्ट बाबा की तरफ से देख लेते हैं। ट्रस्ट, बी पेशेंट इवन दो यू डोंट हैव द आंसर, वेट एंड ट्रस्ट। मैंने अभी कहा था ना, काफ़ी सारे सवाल चलते हैं आपके दिमाग में। बाबा कह रहे हैं कि धैर्य रखो। ड्रीम्स, आपको ड्रीम्स गाइड करते होंगे। अब मैं बताती हूँ यहाँ पर दिक्कत क्या है आपके साथ। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि हो सकता है आपने सॉरी गाइस, अगर आप कोई बिजनेस करते हो, कोई जॉब करते हो, कुछ भी करते हो, तो वो करने से पहले आपने कुछ मन्नतें मांगी हो, लाइक मेरा ये काम हो जाए, शुरू हो जाए, तो मैं इतना दान करूँगी या इतना दान करूँगा, अपने सैलरी से इतना हिस्सा। ऑल राइट, कुछ भी हो सकता है। तो आपने, हो सकता है कोई प्रोमिसेस किए हों ऐसे किसी मंदिर या मस्जिद में जाकर। और अभी क्या हो रहा है कि आपका करियर ठीक रहा, आपका करियर हो या फिर आपका रिलेशनशिप हो, आपने आपकी जो भी विश है उसको लेकर आपने मन्नत मांगी, ठीक है, रिलेशनशिप हो, करियर हो या फिर हेल्थ हो, किसी भी चीज़ को लेकर। तो आपने देखा होगा कि सुधार हुआ कुछ दिनों के लिए, लेकिन फिर चीज़ें बिगड़ने लग गई। कुछ ऐसा हुआ है आपके साथ। ओके, सो जब आपने वो मन्नतें मांगी, उससे पहले स्थितियां अच्छी नहीं थी, परिस्थितियां अच्छी नहीं थी। मन्नत मांगने के बाद में सुधार हुआ, अब चाहे थोड़ा ही हुआ हो लेकिन हुआ ज़रूर है। लेकिन उसके बाद क्या हुआ ना, जो आपने मन्नत मांगी वो आप भूल गए, भूल गए, या फिर आपको ये लगा कि कर लेंगे, आज नहीं कल नहीं परसों नहीं, ये चीज़ होती रही। तो उसकी वजह से क्या हुआ कि परिस्थितियाँ जैसी थी अच्छी होने से पहले, वैसे ही वापस से होने लग गई। क्योंकि यहाँ पर आपको याद दिलवाया जा रहा है कि आपने जो कहा था, जो प्रोमिसेस किए थे, वो आपने पूरे नहीं किए। ऑलराइट, अब अगर आप इस तरीके से नहीं देखते हो कि आपने कोई मन्नत मांगी और ऐसा कुछ नहीं किया, तो यहाँ पर रीजन ये बनता है कि कहीं ना कहीं आप इक्वल गिव एंड टेक नहीं कर रहे हो। अब ये आपको पता होगा कि आप कैसे नहीं कर रहे। हो सकता है कुछ लोगों के साथ क्या होता है, जैसे जिनका लाइफ पाथ नंबर 7 होता है, उनके लिए हमेशा ये कहा जाता है कि वो चैरिटी करते रहें, लाइफ पाथ नंबर 7 या फिर 8, ओके, या फिर 6। उनसे यही एक्सपेक्ट किया जाता है कि जितना वो अर्न करते हैं उसमें आधा नहीं लेकिन कुछ हिस्सा वो चैरिटी करें, वो दूसरों की हेल्प करने में लगा दें। अगर वो ऐसा करते हैं तो उनके पास उसका दुगना आता है। अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो जितना अर्न कर रहे हैं या उनके रिलेशनशिप में जो भी खुशियां हैं वो कहीं ना कहीं आधी रह जाती हैं। उनकी हेल्थ जो है जैसी अच्छी हुआ करती थी, कहीं ना कहीं फिर वो वैसी नहीं रहती, यानी कि उनके काम बिगड़ते हैं, ऐसा होता है। अब आप इन चीज़ों में बिलीव करते हो तब तो अच्छी बात है, नहीं करते हो तो फिर मैं कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि यहाँ पर मैसेज ही वही मिल रहा है। दूसरा ये कि आपके मन में काफ़ी सारे सवाल रहते हैं, जबकि आपको करने की क्या ज़रूरत है, आपको उन सवालों पर फोकस करने की ज़रूरत नहीं है, आपको इस पर फोकस करने की ज़रूरत है कि आप कितने क्रिएटिव हो और उसका यूज़ कैसे कर सकते हो, आप में टैलेंट कैसा है और उसको कैसे यूज़ कर सकते हो, ठीक है। जितना दिमाग आप इस सब में लगाते हो ना, उससे बेटर है कि आप कुछ करो, कुछ क्रिएटिव करो, कुछ अच्छा करो। अब मुझे ये भी लग रहा है कि कुछ लोगों के साथ में शायद ऐसा है कि आप थोड़े से आलसी हो जाते हो, और आलसी कैसे मैं बताती हूँ, ये लेजीनेस कैसा है, ये है आपके इमोशंस को लेकर। सपोज़ अगर आप किसी रिलेशनशिप में हो और आपका वो रिलेशनशिप नहीं चल रहा, ऑलराइट, या किसी ने आपको हर्ट कर दिया, तो क्या होगा ना, आप उसको सोचते रहोगे और आसपास के जो काम है ना वो भी करना बंद कर दोगे। ये करते हो आप, जैसे आपका कोई सोल पर्पस है, सपोज आपका सोल पर्पस है हीलिंग करना, तो अगर आपकी लव लाइफ अच्छी नहीं चल रही है, क्योंकि यहाँ पर हॉट चक्रा से रिलेटेड बात हो रही है, ठीक है, यहाँ पर एनर्जी मुझे मिल रही है इस कार्ड से, तो कहीं ना कहीं अगर आप हॉट हो जाते हो
अपने रिलेशनशिप में, या फिर आपके फ्रेंड्स ने कुछ ऐसे बोल दिया, आसपास वालों ने कुछ ऐसे बोल दिया, तो क्या करोगे आप? आप वो दुख मनाने लग जाते हो कि अरे मेरे साथ ऐसे हो गया, किसी ने मुझे ऐसे बोल दिया, मेरे साथ ऐसे कर दिया। तो जो आपका सोल पर्पस है वो आप साइड में रख देते हो, ठीक है मुझे कुछ नहीं करना, मैंने कुछ नहीं करना। आप ये दिक्कत है आपके साथ। दूसरा यहां पर है ट्रस्ट, जो बाबा की तरफ से कार्ड है। तो ये कार्ड बताता है कि इतने सारे सवाल अपने मन में रखना और उस पर इतना ध्यान देना, ये आपके लिए गलत है। अगर आप बाबा को मानते हो, ये कार्ड उन्हीं लोगों के लिए जो बाबा पर विश्वास करते हैं, अगर आप बाबा को मानते हो तो फिर आपको नहीं सोचना चाहिए कि जो कुछ आपके साथ हुआ, लाइक किसी ने आपसे कुछ कह दिया, आपको हर्ट कर दिया, तो क्यों? आप तो बहुत अच्छे थे, आप तो सबकी बहुत केयर कर रहे थे, फिर आपके साथ ऐसा क्यों हुआ? आपको नहीं सोचना है। सॉरी गाइस, पता नहीं मुझे थ्रोट में इतना प्रॉब्लम क्यों हो रहा है। ओके, तो आपको नहीं सोचना है इन सारी बातों के बारे में। आपको क्या करना है, बाबा को बोल दो, बाबा से कहो भाई बाबा मेरे साथ ऐसा हुआ, मुझे तकलीफ हुई और मैं अपनी तकलीफ आपके सामने रो रही हूँ, बोल रही हूँ। बोलने के बाद में सरेंडर कर दो, उसके बाद नहीं सोचना है कि आपको क्या करना चाहिए, किसी ने आपके साथ ऐसा क्यों किया, क्या वजह थी, नहीं। और एक बात बता दूं कि अपने हॉट चक्रा पर काम करो, मेडिटेशन करो तो अपने हॉट चक्रा पर करो, ठीक है? सेवन चक्रा हीलिंग एंड क्लींजिंग मेडिटेशन का वीडियो आपको मिल जाएगा यूट्यूब पर, तो आप वो देखो और उससे मेडिटेशन किया करो, ठीक है ना? वो काम करेगा। असल में आपको प्यार चाहिए, ढेर सारा प्यार, और कहीं ना कहीं यूनिवर्स जो है वो आपसे ये कह रही है कि प्यार तो आपको मिलेगा, लेकिन पहले अपना सोल पर्पस देखो। और यहीं पर दिक्कत आ जाती है, आपको ये लगता है कि प्यार नहीं है तो आपको फिर कुछ और नहीं चाहिए, रुपया पैसा या फिर ये सारी चीजें, कोई गोल नहीं है लाइफ में, अगर प्यार नहीं है तो कुछ नहीं है। लेकिन यूनिवर्स ये कह रही है कि प्यार है वो ठीक है, लेकिन आप इस दुनिया में आए हो सिर्फ प्यार के लिए नहीं, आप दूसरों की हेल्प करने के लिए आए हो, दूसरों को हील करने के लिए आए हो, अपने कर्तव्यों का पालन करने के लिए आए हो। प्यार मिलेगा अच्छी बात है, लेकिन ऐसा नहीं है कि प्यार ही सब कुछ है। ये आपको यहाँ पर बताया जा रहा है और यहीं पर गलतियाँ हो जाती हैं, आप ब्लॉकेजेस लगा देते हो, निगेटिव हो जाते हो और चीज़ें फिर पलट जाती हैं, जैसी होनी चाहिए वैसी नहीं होती। ऑलराइट, आई होप आपको समझ आ रहा होगा जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ। यहाँ पर कुछ कार्ड्स में और देखना चाहूंगी आपके लिए। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, टू ऑफ सोर्ड्स एंड सेवन ऑफ पेंटिकल्स, और मुझे यही लग रहा था और इसीलिए। और यहाँ पर देखो क्या है, जजमेंट। आपको वेट नहीं करना है, आपको वेट नहीं करना है कि आपको ये करना चाहिए नहीं करना चाहिए, आपको इस रिलेशनशिप में रहना चाहिए नहीं रहना चाहिए, आपको ये जॉब करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, नहीं। जैसा चल रहा है चलने दो, अपने अंदर कॉन्फिडेंस रखो, फायदा किस में है नुकसान किस में है ये सब कुछ सोचने का काम आपका नहीं है गाइज, डिवाइन टाइमिंग पर आपका सारा काम होगा, क्योंकि आपकी लाइफ में जो भी हो रहा है ना वो एंजल्स कर रहे हैं, सब कुछ ऑलरेडी प्लान्ड है, तो आप इसमें कुछ नहीं कर सकते। आपके लिए सिर्फ एक ही काम है कि जितना हो सके चैरिटी करो, जितना हो सके खाना खिलाओ लोगों को, कपड़े बांटो, ठीक है, हेल्प करो जितनी हेल्प कर सकते हो, खुद को सुरक्षित रखते हुए, ऐसा नहीं कि खुद को भी भूल जाओ, नहीं। लेकिन सवालों से घिरे अगर रहेंगे आप, तो आप एक ऐसा ऑरा क्रिएट करेंगे अपने आसपास कि अगर सक्सेस आपके पास आ भी रही होगी तो नहीं आएगी, कुछ ऐसा होगा, समझ रहे हैं आप? इसलिए इस एनर्जी से निकलो, ये वेटिंग की एनर्जी से बाहर निकलो। कब होगा, कब होगा, होगा भी या नहीं होगा, कुछ हो भी सकता है, हेल्थ अच्छी होगी या नहीं, करियर बनेगा भी या नहीं बनेगा, पता नहीं फ्यूचर कैसा होगा, रिलेशनशिप बनेगा भी ना, अभी कुछ नहीं, हाल फिलहाल में तो बिल्कुल भी नहीं। और जो मैं कह रही हूं ना वो करके देखो, देखना फिर चीजें बदलती हैं या फिर नहीं, ठीक है? अब यहां पर मैं देख लेती हूँ कुछ आपके लिए कि यहाँ पर क्या आता है, और उसके बाद मैनिफेस्टेशन टेक्निक देखेंगे।
यहाँ पर मैंने लिखा हुआ था कि आपको इसको प्रे करना है अगर आप तकलीफ़ में हैं तो। तो लेट्स सी क्या आता है यहाँ पर। मैं ये लूँगी, लेट्स सी क्या है। बाबा लव्स मी, तो आपको ये बोलना है। अगर आप बाबा को मानते हो, साईं बाबा को, तो आपको बोलना है बाबा लव्स मी, चाहे परिस्थितियाँ कैसी भी हों। आपको हमेशा ये कहना है और एक तरीके से मैनिफेस्टेशन ही समझ लो, ठीक है। वैसे तो हम देखेंगे मैनिफेस्टेशन क्या करना है, लेकिन यहाँ पर मैं बता रही हूँ कि आपको ये हमेशा कहना है खुद से। जब भी आपको तकलीफ हो आप ये कहने लग जाओ, बाबा लव्स मी, बाबा लव्स मी, बाबा लव्स मी। ओके, अब यहाँ से हम देखेंगे कि कौन सा आपके लिए मैनिफेस्टेशन टेक्निक आता है। सो यहाँ पर दो हैं आई थिंक। ओके, तो मैं ये पिक कर लेती हूँ। लेट्स सी आपके लिए क्या आया है। ग्रेटिट्यूड जर्नल 30 डेज। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप इसको गूगल भी कर सकते हो, और यहाँ तो मैं बताऊंगी ही कि आपको क्या करना है। ओके, ये 30 डेज के लिए करना है आपको। अब इसमें क्या करते हैं ग्रेटिट्यूड जर्नल में, इसमें ये करते हैं गाइस कि सबसे पहले तो आपको एक डायरी ले लेनी है। अच्छा होगा कि न्यू डायरी हो, कोई पुरानी डायरी यूज़ नहीं करूँ, ठीक है। कोई भी न्यू डायरी ले लो, अगर नोटबुक है तो वो भी चलेगा, अगर डायरी नहीं है, नोटबुक है तो वो भी ले सकते हो। पहले से कुछ लिखा नहीं होना चाहिए। अब क्या करना है, आपको एक रेड कलर के इंक का पेन लेना है, और उसके बाद आपको हर सुबह जागने के बाद में उस डायरी में जो भी चीज़ें आपके पास हैं उनको लेकर थैंक्स लिखना है यूनिवर्स को। जैसे यूनिवर्स थैंक यू सो मच जो आपने मुझे ऐसी फैमिली दी, यूनिवर्स थैंक यू सो मच मुझे ऐसे डैड दिए, मुझे ऐसे मॉम दिए, मुझे ऐसे ब्रदर एंड सिस्टर्स दिए, थैंक यू सो मच मुझे आपने एक नई सुबह दी। ओके, थैंक यू सो मच आपने मुझे ब्रेकफास्ट दिया, थैंक यू सो मच आप मुझे हर दिन लंच देते हो, डिनर देते हो, थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग। जो भी है, जो छोटी छोटी चीज़ें हैं, ठीक है, आप जी रहे हो ना, सांस ले रहे हो ना, उसके लिए भी थैंक्स, हर एक चीज़ के लिए थैंक्स। आपके पास मोबाइल फ़ोन है, आप ये वीडियो देख पा रहे हो, उसके लिए थैंक्स। छोटी से छोटी चीज़ों के लिए थैंक्स बोलना है। ओके, पूरा एक पेज ना आपको उससे भर देना है, और फिर नेक्स्ट पेज से आपको वो करना है, वो लिखना है जो आप चाहते हो अपनी लाइफ में, लेकिन उसको ऐसे लिखना है कि वो भी हो गया है। समझ आया, जैसे जो चीज़ें हो चुकी हैं, जो चीज़ें आपकी लाइफ में हैं उनको लेकर आपको थैंक्स लिखना है, फिर जो चीज़ें आपको चाहिए अगले पेज से आपको वो लिखना है, लेकिन कैसे लिखना है कि जैसे वो हैं आपके पास, पहले से ही हैं। थैंक यू सो मच, जैसा जॉब मैं चाहती थी वैसा मुझे मिल गया। थैंक यू सो मच, इस कंपनी में मैं जॉब चाहती थी, मुझे इस कंपनी में जॉब मिल गया। जिस पोजीशन पर मैं चाहती थी उस पोजीशन पर मैं हूँ, सिर्फ आपकी वजह से यूनिवर्स, मदर यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। मैं चाहती थी कि वो मुझे मुझसे बात कर ले, उसने मुझसे बात कर ली, थैंक यू सो मच यूनिवर्स, आपकी वजह से हुआ है ये, थैंक यू सो मच। मैं जहाँ पर शादी करना चाहती थी वहाँ पर फाइनली मेरी शादी हो गई है और हम दोनों बहुत खुश हैं, थैंक यू सो मच यूनिवर्स, मेरी हेल्थ अच्छी हो गई है, सिर्फ आपकी वजह से ये पॉसिबल हो पाया है, थैंक यू सो मच। ठीक है, समझ आ गया। तो इस तरीके से आपको करना है 30 डेज के लिए, हर सुबह उठकर आपको ये करने लग जाना है। आप किस वक्त उठोगे वो आपकी मर्जी है, ठीक है, किस वक्त जागना है वो आप देख लेना। याद रखना टाइमिंग सेम ही होनी चाहिए, टाइमिंग अलग अलग नहीं होनी चाहिए। सपोज अगर एक दिन आप सुबह 5 बजे उठते हो और ये लिखना शुरू करते हो, तो नेक्स्ट मॉर्निंग भी कोशिश यही रहे कि 5 बजे ही आप जागो, अलार्म लगा लो, सेट कर लो और लिखना शुरू करो। ये करना है आपको 30 डेज के लिए, सबसे इजी है ये वाला, सबसे आसान है। ये करोगे ना फिर आप देखोगे कितना कुछ चेंज हो जाता है आपकी लाइफ में। और ये तो आपको मंत्र बोलना ही बोलना है, ये आप किसी भी वक्त बोल सकते हो। इसके लिए ये भी ज़रूरी नहीं है कि आप मंदिर में या मस्जिद में कहीं बैठो, नहीं, आप कहीं भी कर सकते हो, ऑफिस में, घर में, आपका मॉल है, शॉप है, जो भी है,
कोई फर्क नहीं पड़ता कहीं भी। लेकिन ये आपको 30 डेज करना है, 30 दिनों तक के लिए करना है, कभी भी स्किप नहीं करना है, चाहे कुछ भी हो जाए। ओके, सो अगर आप ये करोगे तो बेशक चेंजेस होंगे। और मैं क्या करूँगी, ये 30 डेज के लिए है, तो 15 डेज के बाद में फिर से मैं एनर्जी चेक करूँगी और देखूँगी क्या चेंजेस हैं। तो आज जिन्होंने पाइल वन सिलेक्ट किया है, नेक्स्ट वीडियो में वो लोग पाइल वन ही सिलेक्ट करेंगे। मैं यही कार्ड्स रखूंगी और आप लोग वही सिलेक्ट करना। मैं इस तरीके से डाल दूं कि ये पार्ट 1 है और पार्ट 2। ओके, सो आप चेक कर सकते हो कि क्या चेंजेस आए हैं। ऑलराइट, सो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई हो। आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, रेजोनेट करी हो तो मुझे ज़रूर बताएं, सब्सक्राइब करना ना भूलें इस चैनल को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर, लव यू, बाय बाय। हेलो गाइस, तो जिन्होंने ये वाला कार्ड चूज़ किया है एरो, तो चलिए देख लेते हैं कि आपके ड्रीम्स कैसे पूरे होंगे, आपको क्या करना है, ब्लॉकेजेस क्या हैं, और मैनिफेस्टेशन टेक्निक आपकी कौन सी आती है। ठीक है, सो लेट्स सी। स्टार, ओके, स्टार सीड्स हो सकते हैं आप लोग, और स्टार सीड्स के साथ तो होता है, ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है। ये एक्चुअली उनका पर्पस होता है हीलिंग करना लोगों की। और अगर आपको रिलेशनशिप से जुड़े इश्यूज होते हैं तो वो इसीलिए होते हैं। आपको रिलेशंस जो भी मिलते हैं, जो भी कनेक्शंस मिलते हैं, बेशक उसमें आपको या तो चीट किया जाता होगा या फिर बंदा आपको गोस्ट कर देता होगा, ये चीज़ें होती होंगी आपके साथ बेशक। और वो इसीलिए होती हैं क्योंकि आपको जो भी कनेक्शंस मिलते हैं ना, वो आपको कुछ ना कुछ टीच करने के लिए आते हैं, कुछ बताने के लिए, कुछ पढ़ाने के लिए। सो ऐसा है यहाँ पर। ओके, पॉसिबिलिटीज, ऑलराइट। ये आपके लिए भी आ गया, पाइल 1 में भी आया था, तो आप चाहें वो भी देख सकते हो। इग्नाइट योर पैशन, ये वही है, लिंक कर रहे हैं सारे कार्ड्स जो मैंने आपको बताया ही स्टार सीड्स के बारे में, वही है, वही मैसेज आ रहा है। ओके, विशुद्ध, और एक कार्ड मैं बाबा की तरफ से निकालूंगी आप लोगों के लिए। लेट्स सी क्या आता है। ग्रेस, यस, यही है। आपकी लाइफ, आपकी जर्नी बहुत टफ है गाइस, और आपको ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा। ओके गाइस, तो सी यहाँ पर मैं सबसे पहले बताना चाहूंगी स्टार कार्ड के बारे में। मैं फिर से कहूंगी स्टार सीड्स की बात। आप स्टार सीड हो सकते हो। स्टार सीड्स का काम होता है, इसी वो इस दुनिया से नहीं होते, किसी और दुनिया से होते हैं। आप जिनको एंजल्स बोलते हो ना, आप कहीं ना कहीं उसी दुनिया से हो, और आपका काम होता है लोगों को हील करना, उनको सही रास्ता दिखाना, चाहे रिलेशनशिप हो, चाहे करियर हो, कुछ भी हो, किसी तरीके से उनको हील करना। मोटिवेशनल स्पीकर आप बन सकते हैं। सी, मैंने मोटिवेशनल स्पीकर की बात क्यों की, क्योंकि यहाँ पर विशुद्ध ये जो कार्ड है आपके लिए आया है, जो बात करता है थ्रोट चक्रा के बारे में। ओके, तो हो सकता है कि आपको बोलने में इश्यूज होते हों, आप नहीं बोलना चाहते, आपको ये लगता है कि आप अपनी सच्चाइयाँ नहीं बताना चाहते, या फिर आपको लोगों के सामने बोलने में तकलीफ होती हो, आपको डर लगता हो कि कहीं ऐसा ना हो कि अगर आप बोलेंगे तो उसका मतलब क्या निकाल लिया जाए, या फिर आप बोलेंगे तो लोग हंस ना दें आप पर। ठीक है, कुछ इस तरीके की चीजें होती होंगी आपके साथ में।
हो सकता है आपको बोलने में दिक्कत होती हो, जैसे कुछ लोग स्टैमर करते हैं, तो वैसा कुछ इशू हो आपके साथ। लेकिन यहाँ पर जो एंजल्स हैं वो आपको ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आप में कोई कमी नहीं है, कमी सिर्फ इतनी है कि आप खुद को, खुद में कमियाँ देखते हो। कमी कुछ नहीं है, लेकिन आप ऐसे सोच लेते हो कि कमियाँ आप में हैं। और अभी जो आपकी लाइफ में हो रहा है ना, वो सिर्फ इसलिए हो रहा है क्योंकि आपको ये पता लग सके कि आप क्या हो। आप एक स्टार सीड हो, आप एक स्टार हो, आप चमकते हो और चमकाते हो, रोशनी फैलाते हो। और ये जो भी आपकी ज़िंदगी में हो रहा है, जो उतार चढ़ाव हो रहे हैं, जो रिलेशनशिप आपके नहीं बन रहे, जो कि करियर में आपका अच्छा कुछ नहीं हो पा रहा है, तो सिर्फ इसलिए क्योंकि एंजल्स ये चाहते हैं कि आप और बेहतर करो, और मेहनत करो, और भी ज़्यादा। क्योंकि अगर अभी आपको सक्सेस मिल गई तो आप वहीं पर रुक जाओगे, आप आगे नहीं बढ़ोगे। आप कहोगे कि ठीक है, मुझे जो चाहिए था वो मुझे मिल गया, लेकिन आपको वहाँ नहीं रुकना है। आपके लिए यूनिवर्स ने कुछ और ही सोच कर रखा है। जो स्टार सीड्स होते हैं ना, उनको दुनिया पहचानती है, देश पहचानता है, वो कुछ ऐसा करते हैं। और अगर आप अभी तक उस लेवल पर नहीं पहुंचे हो, तो यूनिवर्स इसी तरीके से आपको लेसन्स देती रहेगी, आपको ठोकरें लगेंगी, आपको दर्द होगा, आपको तकलीफें होंगी, और तब जाकर कहीं आप वहां पहुंच पाओगे जहां पर यूनिवर्स चाहती है कि आप पहुंचे। आप बहुत टैलेंटेड हो और आपको ज़रूरत है उस पर काम करने की। और बेशक यहाँ पर जो मुझे एनर्जी मिल रही है वो ये कि कहीं ना कहीं आप बोलते बहुत अच्छा हो लेकिन थोड़े से झिझकते हो, तो इस झिझक को अपने अंदर से निकालो। एंड वन मोर थिंग, जब भी आपको कोई रिलेशनशिप मिलता है तो उसको उसको लेकर इतने ज़्यादा इमोशनल ना हुआ करो जिससे कि आपको हर्ट हो, क्योंकि वो सारे ही कनेक्शंस आपको कुछ ना कुछ सिखाने के लिए मिलते हैं। तो जब भी कोई कनेक्शन आपको मिले, जब भी कोई रिलेशनशिप आपको मिले, उसको सरेंडर कर देना है, यूनिवर्स पर छोड़ देना है कि भाई ये बंदा या ये बंदी हमें अच्छी लग रही है, अच्छा लग रहा है, तो आप मुझे बताइए कि इसके साथ में मुझे रहना है या फिर नहीं रहना है। पॉसिबिलिटीज ढूंढो कि ठीक है, अगर शादी होती है तो ठीक है, अगर शादी नहीं होती है, फ्रेंडशिप रहती है तो भी ठीक है। और ये कब हो पाएगा? जब आप पूरी तरीके से खुद को न्योछावर नहीं कर दोगे, ठीक है, ये तब होगा जब पूरी तरीके से इमोशनल नहीं हो जाओगे। प्रैक्टिकली सोचोगे, लॉजिकली सोचोगे, क्योंकि आपको पहले अपना जो सोल पर्पस है उसको देखना है और उसके बाद सारी चीज़ें देखनी है। और मुझे पता है आपके रिलेशनशिप में इश्यूज होते होंगे और कहीं ना कहीं कोई ना कोई कहा सुनी हो जाती होगी, आप कहना कुछ चाहते हैं, निकल कुछ गया और फिर इश्यूज बन गए। या फिर ऐसा होता होगा कि आपकी लाइफ में ऐसे ही लोग आते हैं जो खुलकर अपने दिल की बात नहीं कहते, गोस्ट कर देते हैं, ठीक है। तो ये सब होता होगा क्योंकि आप हो स्टार सीड और आपके साथ होगा, जब तक कि आप अपना लेसन नहीं समझ लेते। और वही बात है कि क्लास में जब तक आप एग्जाम पास नहीं कर लेते, आपको दूसरी कक्षा में नहीं भेजा जाता, बस वही है। तो आपको ज़रूरत है अपने सोल पर्पस पर काम करने की, जानिए कि आखिर आप इस दुनिया में क्यों आए हो। इसके लिए आप रीडिंग भी ले सकते हो, ओके। और जो आपका सोल पर्पस है, जब उस पर काम करने लग जाओगे, ये सोचे बगैर कि मुझे सक्सेस मिले, या जैसे आपने कोई भी काम किया, ठीक है, रिलेशनशिप की मैंने बात करी कि पॉसिबिलिटीज पर हमेशा ध्यान दो कि ठीक है जैसे है वैसे सही, वैसे करियर पर भी आपको करना है। ऐसा नहीं कि एक बार आपका करियर बढ़ा, आप फेमस हुए, उसके बाद आपके अंदर ये डर बैठ गया कि कहीं फिर से वो चीज़ बदल ना जाए, कहीं ऐसा ना हो कि आज लोग मुझे इतना प्यार कर रहे हैं तो कल को नहीं करेंगे, तो या फिर लोगों ने उतना प्यार करना बंद कर दिया तो आप परेशान हो जाओ कि अरे नहीं, आपकी लाइफ ऐसी ही चलेगी। आपको जिन ऊंचाइयों पर पहुंचाना चाहती है यूनिवर्स, उसके लिए ये वो करेगी। तो जो भी आपको मिले उसको ले लो प्रसाद समझकर, और उस पर कोई टीका टिप्पणी करने की ज़रूरत नहीं है, ये करना पड़ेगा आपको, ओके, ये ज़रूरी है। और देख लेती हूँ आपके लिए कार्ड्स, क्या कार्ड आते हैं। हालांकि मैनिफेस्टेशन में आपको बताऊंगी, लेकिन ये कुछ चीजें हैं जो मैंने आपको बता दी कि खुलकर बात कहना सीखो। ये नहीं कि दूसरों को खुश करने के लिए खुद को दबा कर रखो कि नहीं, दूसरों को खुश करना है भले हम खुद तकलीफ में रहें, नहीं, बोलने की आदत डालो, खुद को एक्सप्रेस करो, लोगों के सामने लेकर आओ। आपका सोल पर्पज ही ऐसा ही है। एट ऑफ कप्स मैंने कहा था ना, अगर रिलेशनशिप को लेकर आप परेशान होते हो तो
तो आपको होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि रिलेशनशिप के बारे में अभी नहीं सोचो। जब तक कि आपका लाइफ पर्पस आप पूरा नहीं करते हैं, आपका कोई भी कनेक्शन नहीं टिकेगा, ऐसा ही होगा। आपको लव के बारे में सोचना ही नहीं है, आपको अपने लाइफ पर्पस के बारे में सोचना है। द मून, स्टार एंड द मून, एनर्जीज को बैलेंस में रखो आप। आई नो आप बहुत इमोशनल हो, मैं पहले ही समझ गई थी, और देखो यहाँ पर द मून का कार्ड आ गया। लेकिन इमोशंस आपके लिए अच्छे नहीं है, आपको बैलेंस बनाने की ज़रूरत है। सिक्स ऑफ कप्स, गिविंग बनना है आपको। स्टार सीड्स यही होते हैं, सबको प्यार करो, सबको देना है, सबके लिए कुछ ना कुछ करना है, और खुद के लिए कुछ भी एक्सपेक्ट नहीं करना है। यूनिवर्स आपको लाकर देगी जो आप डिजर्व करते हैं वो, लेकिन आप अपनी इच्छा से सोचें कि आपको वो चीज़ मिल जाए, उसी वक्त मिल जाए, तो वो नहीं होगा। जैसे आप दूसरों को देते जाओगे, वैसे यूनिवर्स आपके लिए वो लेकर आएगी जो आप एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहे होगे, कभी आपने सपने में भी नहीं सोचा है, उतना अच्छा वो लाकर देगी आपको। लेकिन पहले आपको गिविंग बनना पड़ेगा, ठीक है? लविंग, गिविंग, केयरिंग, उसके बाद ही कुछ होगा। अब यहाँ पर हम देख लेते हैं कि आपके लिए मंत्रा क्या आते हैं। ये कुछ मंत्रा है, मैंने लिख कर रखे हुए थे, मंत्रा नहीं, मैंने ये लिख रखा था कि किसको पूजना है और कैसे पूजना है, ठीक है, जिससे कि आप थोड़े से काम रह सके। नमः शिवाय, ठीक है? तो आपको ये नमः शिवाय मंत्र समझ लो, या फिर एक तरीके से मैनिफेस्टेशन ही समझ लो कि बाबा को आपको मैनिफेस्ट करना है। ओके, जब भी आपको ये लगे कि आप बहुत ही हैवी फील कर रहे हो, एनर्जी लो एंड हाई हो रही है, तो आपको नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय ये जाप करने लगना है। मून भी आया है ना यहाँ पर आपके लिए, तो आपको ये करना है। अब देख लेते हैं आपके लिए मैनिफेस्टेशन टेक्निक कौन सी आती है। तो यहाँ पर मैंने लिख रखी है, एक मैं यहाँ से निकालूंगी आपके लिए, लेट्स सी कौन सी आती है, खुद ही निकाल आई, चलिए देखते हैं। ग्रेटिट्यूड जर्नल आपके लिए भी आ गया है। ये पाइल वन के लिए भी आया था, तो आप चाहें तो वो भी देख सकते हो, ठीक है? मैं इसमें बता देती हूँ कि आपको क्या करना है। ये आपका मंत्र है, ओके, या ओके। ग्रेटिट्यूड जर्नल में क्या होता है गाइस, कि आपको ग्रेटिट्यूड शो करना होता है यूनिवर्स को। उसमें क्या करना है, आपको एक डायरी लेनी है, और डायरी न्यू होनी चाहिए, या फिर नोटबुक हो तो भी चलेगा, लेकिन पहले से लिखा हुआ नहीं होना चाहिए कुछ भी, ठीक है? मार्केट जाइए, बढ़िया सी डायरी लीजिए, या फिर नोटबुक लीजिए, कुछ भी चलेगा। और एक रेड कलर के इंक का पेन ले लीजिए। उसके बाद आपने क्या करना है, हर सुबह उठकर अपनी डायरी में आपके पास जो भी है उसके लिए यूनिवर्स को थैंक्स लिखना है कि थैंक यू सो मच यूनिवर्स, आपने मुझे अच्छी फैमिली दी, अच्छे पेरेंट्स दिए, अच्छे भाई बहन दिए, अच्छा घर दिया, अच्छा कॉलेज दिया, ओके, आपने मुझे अच्छा खाना दिया, अच्छा पानी दिया, और जो भी आपके पास है, जो कुछ भी है, छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी चीज़, जो भी है, यहाँ तक कि अगर आपको दुख मिले हैं, तकलीफें मिली हैं, तो वहां पर भी आपको थैंक्स बोलना है कि यूनिवर्स आपकी वजह से मुझे लेसन्स मिले, मैंने इतना कुछ लाइफ में सीखा, अगर ये पेन नहीं होते, ये लोग मुझे चीट नहीं करते, तो शायद मुझे पहचान नहीं होती लोगों की, शायद मैं अपना सोल पर्पज नहीं समझ पाती, नहीं जान सकती, थैंक यू सो मच। और ये करते 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 फिर आपको वो लिखना शुरू करना है जो आप चाहते हो। जैसे कि आपको अगर फेम चाहिए, आपको नेम चाहिए, तो वो लिखना है, लेकिन कैसे लिखना है कि जैसे आपके पास पहले से है, जैसे थैंक यू सो मच यूनिवर्स, मैं एक मोटिवेशनल स्पीकर बनना चाहती थी, मैं बन गई, थैंक यू सो मच, मैं शादी करना चाहती थी, मेरी शादी हो गई, थैंक यू सो मच, ठीक है? जो भी आप चाहते हो वो आप उस डायरी में लिखने लग जाओ। मेरे आसपास जो भी ब्लॉकेजेस थे वो सारे हट गए, थैंक यू सो मच, मेरे सारे काम बनने लग गए हैं सिर्फ आपकी वजह से यूनिवर्स, थैंक यू सो मच, ओके। एंड यहाँ पर क्या करना है, आपको टाइमिंग सेम रखनी है। जैसे एक सुबह उठकर आपने 5 बजे उठकर ये लिखा है डायरी में, तो नेक्स्ट मॉर्निंग भी टाइमिंग वही रहनी चाहिए, अलग नहीं होनी है। एंड ये 30 डेज के लिए करना है। देखो
ये 30 डेज के लिए करना है आपको, स्किप नहीं करना है चाहे कुछ भी हो जाए, ये करना है तो करना है हर सुबह। ऑलराइट, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, गूगल कर लेना, वहाँ पर भी हो सकता है आपको कुछ नया मिल जाए इससे जुड़ा हुआ। तो अगर आप ये करते हो तो आपको चेंजेस दिखाई देंगे। अब चाहे आपका रिलेशनशिप हो, चाहे करियर हो, चाहे कुछ भी हो, रिलेशनशिप को लेकर मैं यही कहूँगी कि जो आपका भगवान ने किसी ने किसी को तो बनाया है ना आपके लिए, तो पक्का आपको वही मिलेगा। फिर ये सारे लोग मिलने बंद हो जाएंगे जो आपको लेसन्स दे रहे हैं, आपको लेसन्स फिर किसी और तरीके से मिलेंगे, ठीक है? या कोई पर्टिकुलर बंदा है, हो सकता है ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं आप, तो फिर आप उसको डायरी में लिखिएगा, ठीक है? तो ये आपको करना है, अगर आप करोगे तो आपको फर्क दिखेगा, ट्रस्ट मी। ओके, सो गाइज, ये थी आपकी रीडिंग, आई होप आपको पसंद आई हो। आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, रेजोनेट करी हो तो मुझे बताना ना भूलें, सब्सक्राइब करना ना भूलें इस चैनल को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, टेक केयर, लव यू, बाय बाय। हे गाइस, तो जिन्होंने ये वाला कार्ड सेलेक्ट किया है मून का, और जानना चाहते हैं कि जो ब्लॉकेजेस हैं आपकी लाइफ में उनको कैसे हटाना है, कैसे अपने ड्रीम्स को पूरा करना है, तो आज हम ये देखेंगे मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स हैं कौन सी हैं, आपके लिए कौन सी आती है और उसको कैसे करना है मैं बताऊंगी, ठीक है? तो कार्ड देखते हैं क्या आते हैं, ब्लॉकेजेस क्या हैं, कहाँ पर क्या गलती कर रहे हैं आप, चलिए देखते हैं। एस ऑफ सोर्ड्स, ओके, बहुत तीखा बोलते हैं आप लोग, और सी हो सकता है आप काफी ऑनेस्ट हैं और स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं, सीधी बात करनी आपको पसंद है, लेकिन क्या हो जाता है ना गाइस कि कभी कभी हमारी सच्ची बातें लोगों को हर्ट कर जाती हैं और ये सही नहीं होता। आप सीधी साफ बात करते हो अच्छा है, लेकिन बोलने का तरीका होना चाहिए कि सामने वाले को बात भी समझ आ जाए और उसको हर्ट भी ना हो, ध्यान रहे। क्योंकि अगर आप बाबा के डिवोटी हो तो आपको पता होगा मैं क्या कहने की कोशिश कर रही हूँ। बाबा हमेशा कहते हैं कि जब भी किसी से भी बात करो तो प्यार से बात करो, क्योंकि जैसे दुआएं लगती हैं वैसे बददुआएं भी लग जाती हैं, और कभी कभी आपकी सच्ची बातें ना किसी को इतना हर्ट कर देती हैं कि वो ना चाहते हुए भी, समझ रहे हो ना मैं क्या कहने की कोशिश कर रही हूँ, तो ये ना करें आप लोग, ठीक है? अगर करते हैं ऐसा तो आपके लिए यहाँ पर अलोननेस, ओके, ओके, रिलीज द ओल्ड एंड रेस्ट। यहाँ पर पास्ट एनर्जी है जिसकी वजह से आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, पास्ट आपका अच्छा नहीं रहा, लेकिन उसको अपनी प्रॉब्लम ना बनने दें भाई, ठीक है? आप ब्लॉकेजेस खुद लगा रहे हैं। मैं बताऊंगी कि यहाँ पर एनर्जी कैसी है, पार्वती। ओके, बाबा का कार्ड देखती हूँ। सेलिब्रेशन, दैट्स वेरी नाइस, ओके ओके गाइस। तो सबसे पहली चीज जो मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ कि हो सकता है आप लोग किसी ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हैं या सोलमेट कनेक्शन में हैं,
या फिर थे और सेपरेशन हो गया, ऐसा हो सकता है आप लोगों के साथ। यहाँ पर कुछ ऐसा था कि आप काफ़ी ज़्यादा, आपको ये लगता था कि ये जो कनेक्शन है ये खत्म हो ही नहीं सकता, ऑलराइट, क्योंकि ये आपका ट्विन है या फिर ये आपका सोलमेट है तो कनेक्शन खत्म हो ही नहीं सकता। लेकिन ये कनेक्शन खत्म हुआ और उसके बाद से चीज़ें पलट गई, आप बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट रहने लग गए, आप अकेलापन आपको अच्छा लगने लग गया, कहीं ना कहीं उस पास्ट से आप बाहर नहीं निकल पा रहे हो, क्योंकि आपने जो सोचा था उसका बिल्कुल उल्टा हो गया जो भी आपने सोचा था, और ये ब्लॉकेजेस वहीं से हैं या फिर मैं कहूँ उससे पहले से हैं। एक्चुअली अगर आप लोग ट्विन फ्लेम कनेक्शन में थे, अब मैं बता देती हूँ कि अगर आप लोग ट्विन फ्लेम कनेक्शन में थे तो आपका काम एक्चुअली क्या था, आपका काम ये था कि आपको माँ पार्वती की तरह एक योगिनी बनना था, ठीक है, योगिनी इन द सेंस जैसे हमारे महादेव थे, मेडिटेशन करते थे, योगी थे। तो अब जब माँ पार्वती उनको प्रेम करती थी, उनके साथ में विवाह करना चाहती थी, तो सीधी सी बात है, जब महादेव सुन ही नहीं रहे हैं उनकी, उनकी तरफ ध्यान ही नहीं दे रहे हैं, तो कैसे विवाह होगा। तो उनके सामने क्या हुआ, माता के सामने, कि माता ने सोचा कि इनके सामने रिक्वेस्ट करके ऐसे गिड़गिड़ा के ये तो कोई फ़ायदा नहीं करने वाला, कि मैं इनसे कहूँ कि प्लीज़ मुझसे आप शादी कर लो, ठीक है, मैं ऐसे बता रही हूँ, उन्होंने थोड़ी ना कहा, वो तो विवाह कह रही होंगी, नहीं कह रही होंगी, उन्होंने तो कहा ही नहीं, ठीक है, लेकिन मैं बता रही हूँ कि जैसे मुझे आते हैं ना कमेंट्स कि हमने बहुत रिक्वेस्ट किया कि हमसे शादी कर लो लेकिन फिर भी उसने मना कर दिया, उसने ना बोल दिया, तो माता ने वो नहीं किया, माता ने कहा कि ठीक है आप जाओ तपस्या करो, मैं भी जाती हूँ तपस्या करती हूँ, आप योगा करते हो, योग में जाते हो, मैं भी वही करती हूँ, मैं अपने अंदर आपको ढूंढ लूंगी और फिर क्या होगा कि हम एक हो जाएंगे। लोगों ने कहा कि आप नहीं कर सकते, आप फीमेल हो, आप कैसे कर लोगे, लेकिन वो बोली कि नहीं, क्योंकि मुझे उनके साथ रहना है, मुझे उनके साथ जाना है, क्योंकि वो मेरे हैं, तो मैं वही करूंगी जो वो करते हैं, और उन्हीं के स्तर तक आकर तब मैं यूनियन में आऊंगी। अब यहाँ पर क्या हुआ आपके साथ, सीधी सी बात है, अब ये जर्नी इतनी आसान तो होती नहीं है, है ना, उनका इतने दिनों तक तपस्या करना और इस तरीके से महादेव को खुश करना, तैयार करना, कन्विंस करना फॉर मैरिज, इतना आसान तो नहीं था। अब आपके साथ क्या हुआ कि आप भी उसी तरीके की जर्नी में आए, और इस जर्नी में यही होता है, यूनियन होता है, सेपरेशन होता है, पास आते हैं, दूर जाते हैं, थर्ड पार्टी आती है, सब कुछ आते हैं, टेस्ट होते हैं आपके। तो उस दौरान ऐसा हुआ कि आपको जबकि अपनी वाइब्रेशंस को हाई रखना था, वहां पर आपकी वाइब्रेशंस लो होती रहती थी, और फिर एक दिन क्या हुआ कि ये सेपरेशन हो गया। एक तो सिनेरियो मुझे यहाँ पर ये दिख रहा है, दूसरा ये कि हो सकता है आप अभी भी किसी कनेक्शन में हैं और आपके अंदर ये डर है कि ये कनेक्शन वही काम ना कर दे जैसे कि मेरे पहले वाले कनेक्शन ने किया था, जबकि मैं पहले किसी रिलेशनशिप में थी या था, तो उस वक्त जो मेरे साथ हुआ कहीं ऐसा तो नहीं कि ये कनेक्शन भी वैसा ही है। तो इस सब की वजह से आप चाहते तो हो कि आपकी लाइफ में लव हो, आप उसको एंजॉय करो, लेकिन आप कहीं ना कहीं कर नहीं पा रहे, कुछ चीज़ें हैं जिन्होंने आपको बांध कर रखा है, और ये चीज़ें कहीं ना कहीं आपके आसपास एक निगेटिव ऑरा क्रिएट करती हैं। अब अगर आप करियर को लेकर देख रहे हो ये रीडिंग कि करियर में आपका कुछ क्यों नहीं बनता, तो भी आपके लिए मैसेज यही है कि आपके साथ में जो भी पास्ट में हुआ उसको भूल जाओ और वापस से मेहनत करो, मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि उदास होने से कोई फायदा नहीं, कि आप सोचो कि अरे अभी तक मुझे सक्सेस नहीं मिला, इतनी कोशिशें करने के बाद भी सक्सेस नहीं मिला, अब कुछ नहीं होने वाला, मैं किसी से बात नहीं करूंगी, मैं कुछ करूंगी नहीं, तो वो काम नहीं करेगा गाइस, आपको करना पड़ेगा।
ऐसा ही है, आपको लग रहा होगा कि कितनी कठोरता से दी बोल रही है ऐसे, लेकिन मैं सच बोल रही हूँ। यहाँ पर यूनिवर्स यही बोल रही है कि ये सब कुछ होगा, जो हुआ पास्ट में वो हुआ, ठीक है, और आगे भी हो सकता है कि आने वाले वक्त में ऐसा हो कि आपको फेम मिले, आपको नेम मिले, आपको लव मिले, आपको सब कुछ मिले, फिर कुछ ऐसी चीज़ें हों, कुछ उतार चढ़ाव हों, तो तैयार रहो, ये होगा, ओके? लेकिन इन चीज़ों से डरने की ज़रूरत नहीं है, उदास बैठने की ज़रूरत नहीं है। जो गलतियाँ पहले हुई हैं उनसे सीखो और आगे बढ़ो, क्योंकि फिर सेलिब्रेशन है, गुड न्यूज़ है, लेकिन उस इस गुड न्यूज़ को आप खुद ही कहीं ना कहीं रोक देते हो अपने पास आने से, ओके? सो आपको ये नहीं करना है, इस डार्क एनर्जी से बाहर निकलो। पास्ट को पास्ट में ही रहने दो, वो निकल गया, अब प्रेजेंट है, उसको जियो, फ्यूचर कैसे बनाना है वो सोचो, दैट्स इट, इसके आगे कुछ नहीं सोचना है, ओके? मैं कुछ और कार्ड्स निकालूंगी आपके लिए। और सबसे बड़ी चीज मैं आपको बताऊं कि कितनी भी तकलीफ में आप क्यों ना हो, अच्छा बोलना ना भूलें, ये आपको करना पड़ेगा, प्रैक्टिस डालनी पड़ेगी। एस ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ पेंटिकल्स, एसेस आ रहे हैं आपके, एस ऑफ सोर्ड्स, एस ऑफ वॉन्ड्स एंड एस ऑफ पेंटिकल्स, यानी कि सब कुछ है आपके पास, क्रिएटिविटी है, टैलेंट है, आपके पास सब कुछ है, लेकिन आप उसको लगाते नहीं हो सिर्फ अपने पास्ट की वजह से। आप जो चाहो अचीव कर सकते हो, लेकिन आप ये जो पास्ट की एनर्जी आप होल्ड करके बैठे हो ना, इसकी वजह से कुछ नहीं हो पा रहा। टेन ऑफ कप्स, यस, हो सकता है आपको लगता हो कि एक फैमिली चाहिए, एक फैमिली, काश एक फैमिली होती तो उसके बाद मुझे कुछ नहीं चाहिए, हो सकता है ऐसी सोच हो आपकी, लेकिन जो भी है आपको मिलेगा, लेकिन जब आप इस एनर्जी से बाहर निकलोगे तब। अपना पास्ट है ना, उसको पास्ट में ही रहने दो, छोड़ दो, ओके? काम नहीं करने वाला, सेलिब्रेशन है, यहाँ पर टेन ऑफ कप्स है, स्टेबिलिटी मिलेगी, सब कुछ मिलेगा, लेकिन आप इस एनर्जी से बाहर निकल आओ प्लीज़, आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आपके लिए कार्ड्स बहुत प्यारे आए हैं, ठीक है? तो यहाँ पर देख लेते हैं आपके लिए क्या मंत्रा आता है, ये निकाल लेती हूँ मैं। यहाँ पर है ओम साई राम, आपके लिए आया है ओम साई राम, जब भी आप पेन में हो, तकलीफ में हो, ओम साई राम बोलो, और ये इससे आपको हेल्प मिलेगी। अब देख लेते हैं मैनिफेस्टेशन टेक्निक आपके लिए कौन सी आती है, ओके? और वो मैं आपको बताऊंगी कि आपको कैसे करना है। चलिए ये ले लेते हैं, ग्रेटिट्यूड जर्नल, सभी के लिए यही आया है। सी, अब आपको लग रहा होगा कि एक ही रखा है दी ने, ऐसा नहीं है, देखो विजन बोर्ड रखा है मैंने, और यहाँ पर ये देखिए बेड टाइम रखा है यहाँ पर, और ये देखिए आउटसाइड द बॉक्स रखा है, ये सारे मैंने रखे हैं, लेकिन यही आ रहा है सभी के लिए, ग्रेटिट्यूड जर्नल। तो इसको कैसे करना है बता देती हूँ। एक्चुअली इसमें क्या करना होता है आपको, ग्रेटिट्यूड शो करना होता है यूनिवर्स को, ओके? इसमें आपको एक डायरी लेनी होती है, न्यू डायरी ले लीजिए या नोटबुक ले लीजिए, एक रेड कलर के इंक का पेन ले लीजिए, और उससे आप क्या करोगे, हर सुबह उठकर अपनी डायरी में लिखोगे उन सारी चीज़ों के लिए थैंक्स जो आपके पास हैं, यूनिवर्स को थैंक्स कहोगे कि थैंक्स यूनिवर्स, मुझे इतनी अच्छी सुबह मिली, मैं जागी, थैंक यू सो मच यूनिवर्स, मुझे घर देने के लिए, फैमिली देने के लिए, फ्रेंड्स देने के लिए, मुझे लेसन्स देने के लिए, थैंक यू यूनिवर्स, मुझे ब्रेकफास्ट देने के लिए, मुझे लंच देने के लिए, डिनर के लिए, मुझे बेड मिला जहाँ पर मैं सो रही हूँ वो देने के लिए, हर एक चीज़ के लिए, छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी, हर चीज़ के लिए आप यूनिवर्स को थैंक्स कहो, और उससे पूरा एक पेज आपको भर देना है। उसके बाद नेक्स्ट पेज से आपको वो लिखना है जो आप चाहते हो, जैसे आपको रिलेशनशिप चाहिए या अच्छा जॉब चाहिए, बिजनेस चाहिए, तो वो लिखो, कैसे लिखोगे, जैसे वो आपके पास है, ठीक है? थैंक यू सो मच यूनिवर्स, मुझे एक अच्छी फैमिली मिल गई, थैंक यू सो मच यूनिवर्स, मेरी इंगेजमेंट हो गई इस बंदे से जिससे मैं चाहती थी, थैंक यू सो मच यूनिवर्स, मुझे मेरा जॉब जो मैं चाहती थी, जिस कंपनी में चाहती थी वो जॉब मुझे मिल गया, थैंक यू सो मच, मेरा कम्युनिकेशन हो गया, थैंक यू सो मच, मुझे फ्रेंड्स मिल गए, जो भी आप चाहते हो वो सब कुछ आपको लिखना है, और ये आपको 30 डेज के लिए करना है, ठीक है? 30 दिनों के लिए लगातार करोगे, स्किप नहीं करोगे, और टाइमिंग सेम रहनी चाहिए,
सपोज आप सुबह उठते हो 5 बजे पहले दिन और ये करते हो, तो नेक्स्ट मॉर्निंग भी 5 बजे ही आपको उठना है और ये करना है, और बहुत चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे, ट्रस्ट मी। ये ब्लॉकेजेस हट जाएंगे और आप देखोगे कि कितना कुछ सुधर गया आपकी ज़िंदगी में। ओके सो गाइज, ये थी आपकी रीडिंग, आई होप आपको पसंद आई हो। आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, रेजोनेट करी हो तो मुझे बताना ना भूलें, सब्सक्राइब करना ना भूलें इस चैनल को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, टेक केयर, लव यू ऑल, बाय बाय।